नमस्कार, आज हम बात करेंगे पन्ना के बारे में। पन्ना किस प्रकार का रत्न है? बहुत महत्वपूर्ण रत्न इसलिए होता है पन्ना कि पन्ना बुध ग्रह को शांत करता है, बुध ग्रह को शक्ति प्रदान करता है। पन्ना का रंग होता है हरा। पन्ना कौन पहन सकता है जिसका बुध ग्रह अच्छा हो लेकिन बुध ग्रह वक्री हो, मतलब लेस पार्क हो, वो पहन सकता है। पन्ना कौन नहीं पहन सकता है? पन्ना वो नहीं पहनेगा जिसका बुध ग्रह उसके चार्ट में खराब हो या अस्त हो। खराब हो या अस्त हो, ज्योतिष में हो तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए, 15 मिनट रुद्राक्ष। यदि बुध ग्रह खराब हो तो कतई पन्ना ना पहने। पन्ना पहनने की विधि क्या है? उसको बुधवार के दिन में सूर्यास्त के बाद पहने और उसको बाएं हाथ में छोटी वाली उंगली में पहने। पहनने के बाद ओम ओम बुधाय नमः इसका 108 बार जाप करें। इससे इसको प्राण या प्राण स्थापना भी कहते हैं, शक्ति संचारित करें। पन्ना जो स्टोन है उसमें होता है दरी, रासायनिक पदार्थ दरी, जो कि आपके थार चक्र में काम करता है। दरी एक दवाई भी है जो कि होम्योपैथी में और एलोपैथी में काम आती है। दरी के अलावा थोड़ी सी मात्रा में इसमें अल्युमिनियम सिलिकेट और लिथियम भी पड़ जाती है। लिथियम आप जानते हैं कि बाइपोलर केस में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में दवाई के रूप में औषधि के रूप में भाग होती है। लिथियम काम क्या करता है कि जैसे किसी आदमी को कभी तो बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, करीब हो तो डिप्रेशन होता है, तो कभी डिप्रेशन और कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कि दोनों के बीच में तारतम्य पैदा करने के लिए न्यूडी पाथ न्यूडी पोजिशन को तैयार करने के लिए ये पढ़ना आपको मदद करेगा। आप दाहिने मुंह में बैठेंगे तो फायदा कम होगा, बाएं मुंह में ज़्यादा फायदा होगा। अपने दोनों ने देखा नहीं है कि पन्ना को दाहिने हाथ में क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो हमारे जानवर उपलब्ध है, इसको जरूर देखें। मैं अभी कमाल संतोष शर्मा, नमस्कार।